में जो ग्रैपलिंग कमेटी इंडिया के चेयरमैन दिनेश कपूर जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो आज जो मीटिंग में आप पहुंचे हैं, ग्रैपलिंग कमेटी हरियाणा की जो एनुअल मीटिंग है, इसमें आप बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं, तो इसमें जो मीटिंग का आज का विषय है और क्या आगे की रणनीति बनाएगी? मीटिंग का अभी तो ये इनकी जनरल मीटिंग है, ये जो सालाना या एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें कुछ विषय थे जिनके ऊपर हमने प्रकाश डालना था कि इस बार हमने जैसे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेशन किया है और रूस में हमारी टीम गई थी जहाँ से हम मेडल लेके आए हैं, जिसमें एक हरियाणा का संजीव कादयान हमारा प्लेयर था, वो मेडल लेके आए हैं, तो उन्हीं चीज़ों पर हमने विस्तृत से बात करनी थी कि आगे हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारे हिसाब से अक्टूबर या दिसंबर दो महीने में किसी में भी हो सकती है। अभी तो स्पेन के लिए डिसाइड हुई है, लेकिन वो चेंज भी हो सकती है क्योंकि यूक्रेन और जो रशियन जो वॉर चली हुई है उसकी वजह से बार बार डेट चेंज हो रही है और बाकी कंट्रीज उसमें एग्री नहीं कर रहे हैं। तो दिसंबर में अगर होगी तो हम उस टीम के लिए उससे पहले अपनी नेशनल कराएंगे और नेशनल होप्सो हम अक्टूबर फर्स्ट वीक में कराने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद हम प्रॉपर उसी चैनल से चल रहे हैं जो UWW और रेसलिंग फेडरेशन की गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से ही सारी प्रक्रिया चली हुई है। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होंगे, अब स्टेट के लिए डेट डिक्लेयर करेंगे आज, और नेशनल की जुलाई सेकंड या थर्ड वीक में कराएंगे, नेशनल का, जूनियर का, सीनियर का अक्टूबर में कराएंगे। जिन जिन का सिलेक्शन होगा उनको वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, जैसे सीनियर की टीम तो अभी जा चुकी थी, हमारी एक कैश प्राइज की टीम थी, वो वही कैश प्राइज के लिए जूनियर टूर्नामेंट फिर से रसिया में है, लेकिन वो जूनियर कैटेगरी के लिए है, उसके लिए भी हमें प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम जूनियर और सब जूनियर का नेशनल कराएंगे ताकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग टीम हो जाए जिसको हम वर्ल्ड लेवल पे भेज के। जैसे कि ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया ने जो टूर्नामेंट कराई थी, चारों इकट्ठी थी, सब जूनियर, जूनियर कैडेट और सीनियर की, अब की बार क्या अलग अलग करवाने का निर्णय लिया? अब की बार देश के सब चारों कोनों में ये टूर्नामेंट कराने हमने, उसका एक कारण ये भी है कि पिछली बार हमारे पास 2500 प्लेयर उसमें पार्टिसिपेशन हुए थे, अब की बार हमें उम्मीद है कि 10000 के आसपास खिलाड़ी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो इतनी बड़ी संख्या को एक ही जगह पर टूर्नामेंट कराना संभव नहीं है, इसलिए और हर प्लेयर को पूरा समय देना चाहते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उन्हीं के आधार पर हम अपने खेल को चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए समय की आवश्यकता है। अभी सब जूनियर भी हमारा 3 दिन के लिए चलेगा और जूनियर भी 3 दिन के लिए चलेगा, इसी प्रकार से हमने डिवाइड किया सबको, तो समय को देखते हुए और जो खिलाड़ियों हैं उनका उत्साह और संख्या को देखते हुए हमने इनको अलग अलग जगह पर कराने का निर्णय लिया है ताकि सुचारू रूप से उसके वर्ल्ड ग्रैपलिंग रेसलिंग जैसे वर्ल्ड लेवल पे इनामी दंगल करवाती है, ऐसे ही भारत में जो GCI है वो कब करवाती है? सबसे पहले हमें इसके लिए एक प्रपोजल भेज दिया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, जिसके बारे में विस्तृत रूप से माननीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से व विनोद तोमर जी से इस विषय में भी बातचीत हुई है, वो अक्टूबर तक शायद से रेसलिंग की भी प्रो फिर से स्टार्ट करने की तैयारी में है, जैसे ही उनकी प्रो स्टार्ट होगी उनके पैरेलल हम भी अपना लीग स्टार्ट कर देंगे, उसमें कैश प्राइज दिया जाएगा।